अच्छी थी, एंटरटेनिंग है एंड इंटरवल है, बात कर देता हूं। फिल्म अच्छी लगी मुझे, अच्छी मूवी थी, परफॉर्मेंस भी अच्छा था, दैट्स व्हाट आई फेल्ट। मुझे बहुत अच्छी लगी ये राजकुमार गुप्ता ने जो डायरेक्ट की है ये मूवी। एक रियल लाइफ स्टोरी है कि किस तरह एक बहुत ही खूंखार टेररिस्ट को पकड़ा जाता है और उसमें पूरा उनका मोडस ऑपरेंडी, उनका एक्शन प्लान दिखाया गया है। 5 लोगों की टीम है तो वो किस तरह एक्शन प्लान बनाते हैं, किस तरह कोड लैंग्वेज में बात करते हैं। और 2 घंटे की मूवी है, एडिटिंग बहुत अच्छी है, कहीं भी आप बोर नहीं होंगे, 2 घंटे कैसे बीत जाएंगे, यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम। बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत बेहतरीन फिल्म है, अच्छी लगी मुझे फिल्म। डायरेक्शन वॉज गुड, अच्छा लगा, द स्टोरी प्लॉट वॉज प्लेस्ड इन अ वेरी नाइस वे, इट वॉज नाइस, बस आई फेल्ट लाइक इट कुड हैव बीन बेटर, अ लिटिल बेटर। डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यार मुझे अच्छा लगा, मैं कहीं पे भी, मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत कहीं पे भी बहुत ज़्यादा खींच रही है। कुछ कुछ पॉइंट्स पे लगता है आपको कि ऐसे कि अब कुछ कुछ गाना वाना मतलब सुनने का मन है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि ये क्यों हो गया या ये कैरेक्टर फिल्म में क्यों है या इस तरीके से क्यों किया गया या इतने ऐसे शॉट्स क्यों दिखाए गए, ऐसा नहीं लगता है। आपको वो फिल्म देखेंगे अगर आप तो आपको लगेगा अच्छा यार, मतलब इट्स नाइस टू वॉच। परफॉर्मेंस वॉज गुड, या आई लाइक हिम फॉर अ चेंज। परफॉर्मेंस अच्छी अर्जुन कपूर की, इनफैक्ट बाकी जितने भी एक्टर्स सबकी अच्छी परफॉर्मेंस है, काफी बिलीवेबल परफॉर्मेंस। इट वॉज रियली नाइस, इट वॉज गुड, बहुत ही संजीदा परफॉर्मेंस है, आई थिंक वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेज, क्योंकि पूरी मूवी में वही है मेन प्रोटैगनिस्ट। उनके साथ जो सह कलाकार हैं प्रवीण, देवेंद्र, गौरव, जितने भी है, राजेश शर्मा जो एक बहुत ही जाने माने एक्टर है, और एक कांतिलाल मुखर्जी, जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबके रोल बहुत अच्छे हैं, लेकिन अर्जुन कपूर आई थिंक ही स्टैंड्स आउट। आई थिंक उनको इस तरह के रोल्स करने चाहिए। परफॉर्मेंस अच्छी लगी मुझे बहुत, और मुझे वो जनरली जिस तरीके से स्टार्स को दिखाया जाता है फिल्मों में कि एक स्टार है और बाकी के लोग इधर हैं कहीं कोने में, इधर हैं पीछे हैं आगे, ऐसा नहीं लगा मुझे। मुझे सबसे खूबसूरत बात लगी कि ब्लेंड हो रहे हो आप बाकी के आर्टिस्ट के साथ और आप एक टीम का हिस्सा, जैसे फिल्म में दिखाया भी जा रहा है आप टीम का हिस्सा हो, वो मज़ा आता है उसको देखने में। फिर फिल्म कहीं पे अब ऐसा नहीं लगता कि अच्छा ये इसके लिए बंदे के लिए फिल्म बनी है, वो सबकी एक फिल्म है, एक प्रोजेक्ट है जिसपे सबने साथ में काम किया है, जिस तरीके से दिखाया गया है। मीन्स अ वे इट इज़ शोन, कुछ ज़्यादा गाने वाने नहीं थे एंड इट सीम्स वेरी ट्रू बिकॉज यू नो दे हैव शोन इट वेरी नाइसली। फिल्म रियलिस्टिक है और उस मुझे कितनी रियल लगी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो उनका सेंटिमेंट है कि जैसे फिल्म के एंड में ऐसा होता है कि जो उन्होंने अचीव किया है इंडिया के लिए उस पर उनको क्रेडिट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनको हम पब्लिकली डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते कि वो लोग कौन हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि हमारे लिए काम करते हैं ताकि हम सब ये इंटरव्यू कर पाएँ, जाके फिल्म देख पाएँ। सो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट वी शुड बी टॉकिंग अबाउट मोर। बहुत अच्छा है, आई थिंक अमित त्रिवेदी अपनी छाप हर बार छोड़ते हैं और इस बार भी उन्होंने जो भी साउंड ट्रैक है या बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत अच्छा दिया है। आई वुड गिव 3 stars out of 5। 4 stars। आई वुड से 3.5। 3.5। 4.5।